कब तक सरकारी नौकरी और बढ़ेगा, देंगे ही या नहीं देंगे, क्योंकि आपके हर नौकरी वैकेंसी पे कुछ ना कुछ पेच आ जाता है। हम सरकारी भी बांटते हैं और प्राइवेट भी बांटते हैं। रघुवर दास की सरकार जब नियुक्ति पत्र प्राइवेट का बांटती थी और जब आप बांट रहे हैं, दोनों में अंतर क्या है? रोजगार का मतलब वो नाली से गैस निकाल करके पकौड़ी छानने वाला नहीं हो सकता है। हाथी उड़ा के जब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जा रहा था 1,00,000 लोगों को ज्वाइनिंग लेटर देने का प्राइवेट में, जिसको आपके सुपरवाइजर अगार्ड 10,000 में, तो अभी आप जो बांट रहे हैं प्राइवेट नौकरी, उसको बच्चा लोग कैसे देखे और उसमें क्यों आए? उसमें आप भी बाहरी को नौकरी दे रहे हैं, उनके आपकी नज़र में आप भी गार्ड का नौकरी दे रहे हैं, आप भी सुपरवाइजर का नौकरी दे रहे हैं, तो दोनों अंतर कैसे समझ? राज्य में जब रघुवर दास की सरकार थी तो विपक्ष के लोग ये कहते नहीं थक रहे थे कि यहाँ के बच्चों को या तो गार्ड बनाया जा रहा है या सुपरवाइजर बनाया जा रहा है, दूसरे राज्यों में भेज के नौकर बनाया जा रहा है। वर्तमान में जब सरकार यहाँ पे रोजगार मेला का आयोजन करती है, दृश्य वही रहता है, हाथ बांटने वाले कुछ और रहते हैं और लेने वाले कुछ और। फिर भी सरकार कह रही है हम बेहतर काम कर रहे हैं, बेहतर कैसे है वही हम जानने आए। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी हैं। रघुवर दास की सरकार जब नियुक्ति पत्र प्राइवेट का बांटती थी और जब आप बांट रहे हैं, दोनों में अंतर क्या है? हम सरकारी भी बांटते हैं और प्राइवेट भी बांटते हैं, वो सिर्फ प्राइवेट बांटते थे। उनके में भी नौकरी बहुत हुआ। नहीं बताइए कौन सी नौकरी हुई थी? अरे वन विभाग का हुआ, दरोगा का हुआ, बहुत सारे नौकरी। नहीं नहीं, वो सब देखिए उससे पहले की चीज़ें थी। दरोगा की नौकरी उनके समय में नहीं हुई है, और बहुत सारी नौकरियाँ हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ ये सही है कि जो स्किल्ड लोग होते हैं उनकी डिमांड होती है, तो निश्चित रूप से उनको नौकरी रोजगार मिलनी चाहिए। अब ये 5 वर्षों में 4 वर्षों में तो ये संभव नहीं हो पाएगा। जब आप HEC और बोकारो स्टील प्लांट बंद कराने की योजना बना रहे हैं, जिसको नेहरू जी ने 67 और 70 में कामयाब कर दिया था, तो वैसे पंडित नेहरू की देन को बंद करा करके आप इतिहास से छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो वैसे में मुश्किलें तो आएंगी। पिछले 5 वर्षों तक डबल इंजन की सरकार रही, उसमें एक सुई का कारखाना नहीं हुआ, MOU लाखों लाख करोड़ रुपए के साइन किए गए, कुछ भी नहीं हुआ, तो ये तो दिक्कत तो आएगी ही। 4 साल आपके भी हो गए हैं लगभग, पर एक भी सुई का फैक्ट्री नहीं लगाया। जानते हैं कि दो 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 साल तक कितने लोगों को सुई लेना पड़ा, कितने लोगों को दवाई देनी पड़ी, प्रधानमंत्री जी थाली बजवाते रहे, कोरोना अपना पैर पसारता रहा, बावजूद हम लोग उसमें 2 वर्षों तक जीवन भी देने का काम किया और जीविका भी देने का काम। ठीक है, हाथी उड़ा के जब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जा रहा था 1,00,000 लोगों को ज्वाइनिंग लेटर देने का प्राइवेट में, जिसको आपके सुपरवाइजर अगार्ड 10,000 में, तो अभी आप जो बांट रहे हैं प्राइवेट नौकरी, उसको बच्चा लोग कैसे देखे और उसमें क्यों आए? उसमें आप भी बाहरी को नौकरी दे रहे हैं, उनके आपकी नज़र में आप भी गार्ड का नौकरी दे रहे हैं, आप भी सुपरवाइजर का नौकरी दे रहे हैं, तो दोनों अंतर कैसे समझे? अंतर यही होना चाहिए कि देखिए, जो पहले होता था हाथी उड़ाया जाता था, उसमें हजारों हजार रुपया का प्लेट का भोजन कराया जाता था उद्योगपतियों को, और बच्चों को लाइन में लगवाया जाता था। वो काम नहीं हो रहा है। पहले प्लेट चॉकलेट घोटाला नहीं हो रहा है, उद्योगपतियों को फायदा पहुँचाने का काम नहीं हो रहा है, उनको प्लेन से और बड़े बड़े जहाज़ों से अपने खर्चे पे बुलाने का काम नहीं हो रहा है। आप जानते हैं कितना उसमें घोटाला हुआ था, उसकी जांच भी चल रही है। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है, और ये तो सही है कि समय लगेगा, ऐसा आप नहीं बुलाए नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री तो कई जगह जाके रोड शो किए, उसमें भी खर्च हुआ। आप कम किए वो ज़्यादा किए, वही तो सवाल है। जितनी ज़रूरत हो उतना खर्चा करना चाहिए। आप भी इस बात को मान रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी कम खर्चीले हैं, रघुवर दास जी ज़्यादा खर्चीले थे। किस तरह लोग जाते थे बाहर और किस तरह क्या क्या चलता था, पता नहीं कौन कौन नाम सामने आते थे, मैं भूल रहा हूँ वो कंबल वाले लोगों को, तो इस तरह का तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जिसका परिणाम ये है कि उन्हीं के मंत्री ने उनको हरा दिया। ठीक है, मेरा एक दो सवाल है कि कब तक सरकारी नौकरी और बटेगा, देंगे ही या नहीं देंगे, क्योंकि आपके हर नौकरी वैकेंसी पे कुछ ना कुछ पेच आ जाता है। देखिए, हम लोग लगातार प्रयासरत हैं कि नौकरी सबको मिले। सब लोग अपनी अपनी दावेदारी को सुनिश्चित करने के लिए कोई कोर्ट चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है, तो उसमें कई तरह के व्यवधान पैदा होते हैं।
तो फिर भी उन सभी खराबियों जो उसमें गड़बड़ी है उसको दूर करते हुए हम लोग लगातार ये प्रयासरत हैं कि रोजगार सबको मिले, सबको मुहैया हो। ठीक है, रोजगार और नौकरी में अंतर है। नेता जब बोलते हैं भाषण तो इसको स्पष्ट तरीके से सुना कीजिए। रोजगार बोल रहे हैं तो रोजगार का मतलब वो मनरेगा वाला भी हो सकता है। नहीं, नहीं, रोजगार का मतलब वो नाली से गैस निकाल करके पकौड़ी छानने वाला नहीं हो सकता है। हम उन नेताओं में से नहीं है जो वो उस तरह के नेता हैं। शायद वो आपसे संपर्क में नहीं हो या वो आपको इस तरह का इंटरव्यू नहीं दे। ज़्यादातर आप जैसे लोगों से लोग घबराते हैं। तो ऐसे लोग ऐसे जो आप अभी कह रहे थे कि एक और चर्चा थी उसमें कि जो एंकर्स को डिबार किया है, अरे हमने तो 12-14 को किया है। प्रधानमंत्री जी ने तो सभी को किया हुआ है। जो उनकी मर्जी की बात करेगा सिर्फ उसी से बात करेंगे। आपने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना हो उनका तो बताइए। मेरे जहन में तो नहीं, देश ही में नहीं, दुनिया के पत्रकार भी जो देश में आना चाहते थे उनको भी मना कर दिया। नहीं नहीं, हकीकत पता चल जाएगा। ठीक है, नेताओं के अपने तर्क हैं, अपने बोली है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का आप ध्यान से भाषण सुनिए। राय कायम करने से पहले उनसे सवाल भी कीजिए। जब वो आपके क्षेत्र में जाते हैं सिर्फ उनका भाषण सुन के ताली आप बजाएंगे तो आप उन्हीं वोटरों में रहेंगे जिनको सिर्फ वोट देने से मतलब होता है, तकदीर बदलने से नहीं। शुक्रिया। The followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in